Hey guys, welcome back. और दोस्तों आज हमारा डोरे भी आ चुका है. हाय हाय यार, कल हमने ना हमारे बेबी पॉन्ड का वाटर चेंज किया था, तो यार ये देख सकते हो आज इसका ये हाल है. मतलब इसे चेंज करते हुए कंप्लीट यार 48 आवर्स हो चुके और जो वाटर है हल्का सा ग्रीन होना स्टार्ट हो चुका है. और यहाँ के हमारे सारे जितने भी फिश के बेबीज यार सारे के सारे ठीक है. मैं सोच रहा था यार मैंने सारा न्यू वाटर लिया है तो यार थोड़ी दिक्कत हो सकती है बेबीज को, बट कोई नहीं यार, सारे बेबीज ठीक है. नहीं तो हमारे क्या होते हैं ना, हर बार हम पानी चेंज करते तो एक दो करके बेबीज मरने लगते, बट इस बार यार सारे बेबी अच्छे है और हेल्दी है. देखो यार कितने हेल्दी है देखो. और बाकी हमारे जो बेलन मोले की बेबीज आपको दिखाता हूँ यार, एक ही जगह पे रहते हैं सारे के. नहीं यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ गए यार ये, अभी यही थे यार छुप गए. ये देखो आ गए आ गए आ गए. ये देखो ये सारे हमारे बेलन मोली के बेबीज है, हमारे मिक्स वाली जो बेलन मोली ना उसके बेबीज है. और आज हमारे इस वाले पॉन्ड में एक फूल भी खिला है, हर रोज एक फूल खिलता है वैसे तो. ये देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है यार, ये दिखने में तो अभी इतना अच्छा लग रहा है भाई, यहाँ से उठने का मन ही नहीं करता यार हमारा. और दोस्तों हमने हमारे सेटअप में कल वाटर पॉपे ऐड की थी गप्पी के सेटअप में, वो भी आपको उसका अपडेट देता हूँ यार. मैं बहुत ही ज्यादा शौक हूँ इस चीज को लेकर यार, इसको हमने कल ही लगाया, कल नहीं यार परसों लगवाया था, परसों की वीडियो में. और ये देख सकते हो यार आज इसकी ग्रोथ देख सकते हो यार भाई, इसके जो पत्ते है ना भाई मैं बिलीव नहीं कर सकता भाई, मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ यार इस चीज को देखकर. मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ है ना भाई, ये 1 2 3 4 पत्ते डायरेक्ट आ गए भाई. मतलब ये पहले से ही थे बट ये पहले से ऐसे झुके थे भाई, हमें गारंटी नहीं थी भाई ये इतने जल्दी भाई वो आ जाएंगे. ये देखो भाई इधर का भी देख सकते हो, हमने यहाँ पे 2 वाटर पॉपे ऐड की थी और यहाँ पे 2 वाटर पॉपे ऐड की थी. अभी हम क्या करने वाले ना, जैसे जैसे फैलने वाले ना इसको हम सेपरेट कर देंगे. मतलब एक टब में हम सिर्फ एक ही वाटर पॉपी रखेंगे और 4 वाटर पॉपी होने की वजह से 1 2 3 4 हमारे 4 गप्पी पॉन्ड में हमारी वाटर पॉपी रहने वाली है. और दोस्तों हमारे जो टमाटर का जो पौधा है यार, ये देखो यार इसको मैंने आज ना ये 2 टमाटर देखे यार छोटे छोटे. ये देखो यार भाई, यार फर्स्ट टाइम यार मैंने हमारे घर पे टमाटर का पौधा लगवाया और ये सक्सेसफुली ग्रो भी हो गया और इसे फल भी लगने लगे यार. अभी बहुत ज्यादा इंतजार है कि ये कब बड़े होंगे और कब हम इनकी टेस्ट करें यार. ये देखो यार कितना क्यूट लग रहा है यार. ये देखो 2 टमाटर है और कुछ अभी फूल वगैरह भी इसको आए है. और यहाँ पे ना मूली का भी यहाँ पे प्लांट उग गया अभी, कैसे मुझे नहीं पता भाई कैसे उग गए. और ये आपको तो पता है यार ये चाय पत्ती है. तो दोस्तों हमारे जो मॉलीज है कल ही हमने इनको यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो इनका अभी देख सकते हो यार ये भी परफेक्टली यहाँ पे अभी मैच हो चुकी है. और यहाँ पे फीड वगैरह भी मैंने इनको दे दिया कल. ये देखो भाई ये भी प्रॉपर यहाँ पे सेट हो चुकी है और ये तो सेट ही भाई. और यहाँ पे मैंने ना ये जो पत्ते ना ये निकाल दिए क्योंकि ना ये हमें ना पूरे पॉन्ड में फैलाने हैं, तो थोड़े बहुत फैलने की वजह से मैंने इनको ऐसा निकाल के रखा है. तो ये निकालने से हम क्या करेंगे ना, इनको सीधा यहाँ पे ऐड कर देंगे. इसे ऐड करने से थोड़े बहुत फैल जाएंगे. और ये हमारी बेलन मोली देख सकते हैं ये भी परफेक्टली यहाँ पे सेट, ये तो सेट ही हो चुकी है बहुत दिनों से. और हमारी चॉकलेट भी यहाँ पे सेट है. दोस्तों आज हमारे सेटअप में एक हैप्पी न्यूज है और एक बैड न्यूज है, ठीक है. तो चलो यार पहले मैं आपको ना बैड न्यूज देता हूँ. तो दोस्तों हमारे पोर्च वाले सेटअप में जो हमने हमारी टैडी फिश का सेटअप करके रखा है, तो उसमें से ही यार हमें बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ आ रही है, ठीक है. तो इस वाले टब में हमने हमारी बेलन मोली रखी, बेलन प्लैटी रखी है, और इस वाले टब में हमने रखी थी हमारी रेयर प्लैटी फिश जो कि हमने कुर्ला फिश मार्केट से परचेस करके लाई थी, ठीक है. और भाई ये सारी की सारी पता नहीं यार कैसे मर गई यार. मतलब मैं आज मॉर्निंग में इनको फूड देने के लिए आया और सारी की सारी ऊपर आई थी जो कि मैंने इनको दफना दिया नीचे जाकर. और ये देखो भाई ऊपर से ऐसी कुछ अलग ही झाग जैसी चीज़ आई है भाई. ये देखो ये अलग ही यार कुछ, मतलब मैंने हमारे सारे टब में ना सेटअप किया पर किसी में कुछ नहीं प्रॉब्लम, पर इस टब में ऐसी प्रॉब्लम है. और यहाँ के जो प्लांट्स हैं ना भाई ये सारे के सारे सेफ है यार, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे फल फूल रहे यार इनको, प्लांट्स को तो कोई दिक्कत नहीं यार. देखो पूरे के पूरे हमारे जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे ग्रीन है और बढ़ भी रहे यार यहाँ पे. और पता नहीं यार प्लैटी फिश मतलब कैसे यार, मैं बहुत ज़्यादा यार मतलब परेशान हो रहा हूँ यार. ये देखो भाई और साइड वाले टब की जो वाटर जो हमने प्लांट लगवाया है भाई ये इतना अच्छे से फैल रहा है. ये देखो भाई प्रॉपर फैल रहा है यार, पूरा का पूरा फैल चुका है. और पता नहीं यार दोस्तों इसको ऐसे रूट्स क्यों आ रहे हैं, मतलब इसके पत्तों के नीचे ही रूट्स आने लगे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई कि ये इसकी भी ब्रीड हो रही है, तो हम इनको काट कर साइड में लगा सकते हैं ऐसे मुझे लग रहा है. तो किसी भाई को पता होगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि भाई ये चीज़ क्या है भाई, रूट्स आ रहे हैं. मतलब यार मुझे सच में इसका इतना नॉलेज नहीं है. ये देखो भाई ये देखो पूरा का पूरा हेल्दी प्लांट हो गया भाई ये.
तो ये हो गई दोस्तों हमारी बैड न्यूज, ठीक है। और हैप्पी न्यूज ऐसी है कि आप सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे, ठीक है। तो यार हैप्पी न्यूज है कि यार हमारे जो मार्बल बैलून मॉली है, जो कि हमने इसका नाम मार्बल रखा है, ये देखो यार मैं आपको बोला था यार वाटर हमने यहाँ पे चेंज किया था मॉली फिशेज का, तो मैंने आपको बोला था कि यार हमारे जो मॉली फिश बेबीज देने वाली है, और फाइनली दोस्तों उसने यार बहुत सारे बेबीज दिए यार। तो ये देखो यार कितने सारे बेबीज यार, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत ही छोटे छोटे यार भग रहे यार ये इधर उधर भग रहे। अरे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से हम सारे बेबीज निकाल लेते हैं। ऑलरेडी मैंने मेल फीमेल साइड में कर लिए, क्योंकि ना बेबीज के ऊपर अटैक कर रहे थे, इसी की वजह से मैंने इनको साइड में रख दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको साइड में रख देंगे और हम सारे बेबीज यहाँ से उठा लेंगे, फिर हम इन मेल फीमेल्स को फिर से यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जितने भी बेबीज हम सारे हमारे बेबी पॉन्ड में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ना दोस्तों मैंने सारे बेबीज है ना निकाल लिए, और मैं ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शौक हुआ यार, आज मुझे बहुत ज़्यादा शौक मिल रहा है यार। ये देखो इतने सारे बैलून मॉली के बेबीज मिले भाई हमें, ये हमने टोटल काउंट ही नहीं कर सकते यार, इतने सारे 100 के आसपास बेबीज है यार। ये देखो बाकी इसमें जो बेबीज ना नीचे बैठ रहे, क्योंकि अभी अभी बॉर्न हुए ना, ये देखो कितने क्यूट है यार भाई साहब, कितने सारे यार ये। और ये देखो ये हमारे एडल्ट मेल फीमेल है, और अभी बहुत सारे भाइयों को लगता होगा कि भाई ये अंडे देते हैं बैलून मॉली वगैरह, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का कन्फ्यूजन होता है भाई अंडे नहीं देते लाइव बीरर, ये सीधे बेबीज देते हैं यार, ठीक है। तो ये इन्होंने अंडे वगैरह कुछ नहीं दिए, ये डायरेक्ट बेबीज देते हैं। ये देखो बहुत ही क्यूट, ये हमारी फीमेल है, और ये 1 और ये 2, ये हमारे दोनों मेल है और ये फीमेल है। हमने इस वाली बैलून मॉली का नाम रखा है मार्बल बैलून मॉली। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, हमें तीनों मॉली फिश को उठाकर फिर से उनके पॉन्ड में ऐड कर देना है। मुझे ऐसे लगता है यार नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ये बेबीज दे सकती है, तो फिर से यार हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं आज मॉर्निंग में नहीं आता ना यार ये सारे बेबीज ये हमारी मॉली फिशेज खा जाती है यार, ये देखो कितने सारे। दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, इनको फिर से उठाकर उनकी जगह पे छोड़ देते हैं, और थोड़ा मैंने हाइडिंग प्लेस के लिए आपको बता दूं मैंने क्या दिया है। तो ये देखो मैंने यहाँ से फिर से उनको ऐड कर दिया, और हाइडिंग प्लेस के लिए मैंने सिंपल सा ये वाला प्लांट यूज किया है यार, ठीक है, बहुत सारा भी नहीं यार, बहुत कम प्लांट है हमारे पास। तो फिलहाल के लिए तो हमारे पास 3 ही प्लांट्स है, और ये फैलते रहते हैं यार। और देखो यार इतना ही हाइडिंग प्लेस मैंने दिया है इनको, बाकी कुछ नहीं यार, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ब्रीड होते हैं। और मैंने ये न्यू प्लांट लाया था, ये देखो ये बहुत क्यूट होता है, ये थोड़ा फ्लोटिंग प्लांट रहता है, तो ये फ्लोटिंग होने की वजह से यार यहाँ पे थोड़ा अच्छा नेचुरल सा लगेगा। अभी तो ये उग ही रहा है यार, 2-3 ही महीने लाए थे, 1, 2, 3, 4, 5। और दोस्तों मैं अभी क्या करने वाला हूँ, हमारे जो न्यू बॉर्न बेबीज है भाई, ये वाले सीधे यहाँ पे मैं ऐड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। इसे हम 2 दिन इसे इसमें रखेंगे, और 2 दिनों के बाद इनको थोड़े यार इनको थोड़ा स्विमिंग वगैरह करना आएगा। ये देखो अभी तो नीचे ही बैठे यार सारे के सारे बेचारे, इतने ज़्यादा मतलब ये ना, ये देखो ये भी तो नीचे ही बैठे हैं दादा, ये तैर भी नहीं रहे। और ये देखो ये फुल एक्टिव है, और ये इनको परेशान भी कर सकते हैं, तो इसी की वजह से मैं ये रेस बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, क्योंकि ये मॉली फिशेस की बेबीज उनको थोड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। 2 दिन के बाद हम इनको यहाँ पे ऐड कर देंगे। और दोस्तों हमारे टंकियों को अभी कंप्लीट 3 दिन हो ही चुके हैं यार, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा था कि यार इनको कल इनका पूरा पानी निकाल लेंगे, और इनको फिर हम साइड वाले टेरेस में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो यार आज तो ऐसे ही पड़े रहने देते, थोड़ी धूप भी आज तो ये धूप में अच्छा खासा थोड़ा ही हो जाएगा क्लियर। दोस्तों हमारे जो प्लेकोज है मैंने कल इनको फिश रूम में रखा था, ठीक है, टोटल हमारी 5 प्लेको फिशेज, और भाई मैंने 2 इनमें से निकाल कर ऊपर वाले पॉन्ड में छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना ऊपर थोड़ी बहुत अलगी हो चुकी, तो इसके लिए मैंने ऊपर इनको छोड़ा है। और भाई इनको मैंने कल फिश रूम में शिफ्ट किया था, तो इनका वाटर पूरा का पूरा गंदा हो चुका था, ठीक है। तो अभी मैंने चेंज किया जस्ट, ठीक है, अभी चेंज करते भी देखो कितनी गंदगी कर दी 2 ही मिनट में। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, आज हमारा जो अल्बिनो प्लेको है इसको हम हमारे मॉन्स्टर टैंक में रखने वाले, जो कि हमारा बॉब है, बॉब के साथ 3, 4 के उनके साथ ये रहेगा, क्योंकि आपको दिखाता हूँ उस टैंक की कंडीशन। तो दोस्तों आप इस टैंक की कंडीशन देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खराब, जो कि ख़राब नहीं हो चुकी यार, सिर्फ इससे ना क्या हुआ है, ये देखो यार ये जो चीज़ है ना ये अलगी है, ये देखो भाई ये पूरी की पूरी ना अलगी लटक चुकी है इसको, ठीक है। तो अलगी साफ करने का काम सिर्फ हमारा एक ही फिश करेगा, वो है भाई हमारी प्लेको फिश, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारी अल्बिनो प्लेको इसमें छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे आराम से पूरी अलगी क्लीन कर देगी, और क्लीन करने के बाद फिर हम हमारा जो टैंक है पूरा हम क्लीन करने वाले है। बॉब देखो भाई पानी पूरा क्लियर है, देखो पानी को कुछ नहीं भाई, पानी हमारा पूरा क्रिस्टल क्लियर है बॉब बॉब। ये दोस्तों हमने हमारे प्लेको फिश यहाँ पे ऐड कर दिए, देखो भाई अभी ये जितना भी क्लीनिंग का काम है सारा का सारा करने वाली है, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद देखते हैं भाई टैंक की क्या हालत है, ठीक है। अभी देख ले यार लास्ट टाइम टैंक कैसा है, ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ। और इसने जब जिसे इसका काम पूरा कर दिया, फिर हम इसका पानी भी लेवल बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद भाई ये पूरा क्लीन करने वाले, ठीक है।
और दोस्तों हमारे जो सिकलेट फिश का जो टैंक है हाल ही में हमने सेटअप किया है, ठीक है, तो उनका टैंक का भी आप हालत देख सकते हो भाई, पूरा का पूरा अलगी इसको लग चुका है, ब्राउन अलगी है, ठीक है, क्योंकि ना बाहर से सनलाइट सीधा यहाँ से यहाँ पर आता है, तो इसी की वजह से यहाँ पे पूरा यार अलगी चढ़ गया है, देखो भाई, ठीक है, पूरे कांच पर अलगी है और ऊपर से देखेंगे तो पूरा क्लीन है यार, ठीक है, देखो कुछ नहीं यार, पूरा का पूरा क्लीन है। यहाँ पे मैंने हमारे जो एप्पल्स ने लिए छोड़ी थी क्योंकि मुझे लगा था कि भाई ये क्लीन कर देगी, बट इनसे इतना अच्छा सा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी मैं हमारी प्ले को छोड़ रहा हूँ। तो ये देखो यार, ये हमारी दो प्लेको जो है थोड़ी बड़ी साइज की है, तो हम ये छोटी साइज की उनमें छोड़ देंगे क्योंकि दो ही फिल्टर का टैंक है ये। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो प्लेको है मैंने ये भी छोड़ दी है, देखो भाई अभी ये पूरा का पूरा टैंक क्लीन कर देगी, ऐसा मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मिलेंगे भाई दो दिन के बाद। तो दोस्तों अभी हमारे ना सारे पिजन्स भी आ गए, आज दिन भर खुले थे यार हमारे पिजन्स। तो ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।